हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू IFAS। माई सेल्फ हिमांशु। आपको पता तो चल ही होगा अब मुझे मेरे बारे में। आप देखिए, दीज आर माई क्वालिफिकेशंस। इफ एनी वन इज इंटरेस्टेड, यू शुड नो अबाउट योर फैकल्टीज। सो इन दिस रणनीति सीरीज, क्या मैं क्या कर रहा हूँ, मैं ये बता रहा हूँ आपको कि ज्योग्राफी के अंदर किस तरह से आप लोग एक अप्रोच रखनी है आपको थ्रू आउट द प्रिपरेशन। गॉट इट? तो हम व्हाट आई डिड इन फर्स्ट लेक्चर, आई टोल्ड अबाउट द यू नो सम पॉइंट्स दैट व्हाई यू शुड टेक ज्योग्राफी एज योर प्रायर सब्जेक्ट, व्हाई यू शुड टेक दिस इन ऑप्शनल्स for UPSC and PCS purposes. Okay, then we talked about the syllabus reading. The playlist link is in description. You can check out that what we have done so far. Then we talked about that, question approach, that how we should approach the syllabus, syllabus reading, exam paper evaluation. And now the next lecture is about the time management while attempting question. Or when you are doing the preparations, then how you should approach the question answers, theek hai, to get the good marks. Got it? Chaliye, to aapko aage badhne se pehle main bata dun ki hamare jo lectures hain wo UGC NET ke liye 2023 ke andar jo exam aa rahi hai December wali, uske liye jo batches hai wo launch ho chuke hain. Secondly, RPSC Assistant Professor Examination. These batches have also been launched on 3rd of July. And apart from that, Madhya Pradesh SET, Madhya Pradesh State Eligibility Test, that is also live on our channel. So we are in various fields. You can check out our application. You can choose whichever subject or the examination you are preparing. Got it? चलिए, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग. पहले मैं बता दूं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी शुड डू, वी शुड व्हेन वी आर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, व्हाट वी शुड डू, वी शुड बी फैमिलियराइजिंग आवर सेल्फ विद एग्जाम स्ट्रक्चर, हाउ द एग्जाम स्ट्रक्चर इज. एग्जाम्पल बींग, आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ UGC नेट एग्जामिनेशन, जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशन. इट इज कंडक्टेड फॉर क्वालिफाइंग असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जामिनेशन, उसके लिए दैट्स द मिनिमम रिक्वायरमेंट नाउ नेट एग्जामिनेशन सेट एग्जामिनेशन. तो सी हाउ इज इट, UGC नेट एग्जामिनेशन इज ऑनलाइन, लाइक UPSC इज स्टिल ऑफलाइन. OMR बेस्ड मॉडल है उसका, जिस तरह से मार्क करते हैं ना. तो UPSC का जो प्रीलिम्स होता है वो OMR बेस्ड होता है, UGC नेट का है वो ऑनलाइन होता है, और जो सेट एग्जामिनेशंस होते हैं अभी भी, जो स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट एग्जामिनेशंस होते हैं, वो सारे के सारे अभी ऑफलाइन होते हैं. तो आपको सबसे पहले ये जानना है कि कौन सा आपका जो My mic quality, video quality is good. Can anyone confirm it? Because I'm seeing a bit distortion in the. Where is it? Give me one second. Yeah, the mic is good. फाइन, वो मुझे ऐसे ही लग रहा था. चलिए, सॉरी फॉर इंटरप्शंस, ओके लेट्स कंटिन्यू. चलिए, तो सबसे पहले क्या करना है हम लोगों को, कि जो एग्जाम का स्ट्रक्चर है कि वो ऑफलाइन मोड में होगा ऑनलाइन मोड में होगा, इस तरह से आपको चेक करना है आपको. और इसमें दे रखा है कि, अब आपको मैं बता दूं कि UGC नेट के अंदर दो एग्जामिनेशन, मतलब दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2. हाँ, वो दोनों अलग एक साथ होते हैं, 150 क्वेश्चंस,
अर्लियर इट यूज टू बी डिफरेंट बट नाउ इट इज सेम पेपर। तो इस तरह से जो एग्जाम का स्ट्रक्चर, आप कोई सी भी एग्जाम दे रहे हो, जैसे सीयूईटी की तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, सेट की कर रहे हो, यूपीएससी, पीसीएस, असिस्टेंट प्रोफेसर, विच एवर सब्जेक्ट यू आर इन, तो आपको एग्जाम का जो स्ट्रक्चर होता है वो प्रॉपर पता होना चाहिए, वेदर द नेगेटिव मार्किंग इज देयर और नॉट, वेदर द यूजीसी नेट सॉरी इट इज एग्जाम मोड इज वॉट, एग्जाम का ड्यूरेशन, टाइप्स ऑफ पेपर, टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, टोटल क्वेश्चंस, टोटल मार्क्स एंड द मार्किंग स्कीम। सो दीज आर द पॉइंट्स वी शुड नो बिफोर अटेम्प्टिंग द क्वेश्चंस, गॉट इट। चलिए फिर हमें अपने क्वेश्चंस को प्रायोरिटाइज करना है। कैसे करेंगे, आपको मैं एग्जांपल के रूप में बताऊंगा इसको, कि हमें ऐसे क्वेश्चंस पहले करने चाहिए, वी शुड अटेम्प्ट सच क्वेश्चंस क्विकली एंड कॉन्फिडेंटली विच यू आर नो, विच यू नो अबाउट इट, राइट। द क्वेश्चंस विच यू नो बेटर यू शुड प्रायोरिटाइज सच क्वेश्चन, है ना, इनको पहले करना है, उनको इजी पॉइंट्स और बिल्ड मोमेंटम। जैसे यूपीएससी के मेंस का एग्जामिनेशन होता है, तो उसमें क्या करना है आप, वो उसमें आप क्या कर सकते हो कि जो आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं उनको पहले अटेम्प्ट कीजिए, और जो क्वेश्चंस में आपको जैसे बनाना पड़ेगा, हमारा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसको आप बाद में कर सकते हैं। तो इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं हमें प्रायोरिटाइज करने हैं, कि जो आपको अर्ली आते हैं। अब मैंने आपको पहले भी बताया था कि आप जब एग्जाम पेपर आपको मिलेगा तो आप क्या करेंगे, एग्जाम पेपर जब मिलेगा आपको तो उसके अंदर यू विल हैव, आपको ये पूछा जाएगा कि आपके सारे क्वेश्चंस प्रिंटेड है कि नहीं है, बिकॉज विद इन 10 to 15 minutes इफ यू टेल द इनविजिलेटर दैट माय बुकलेट इज नॉट ऑल राइट, देन दे कैन चेंज इट, बट लेटर दे वॉन्ट इट। सो इसलिए आप जब चेक करोगे तो आप पहले क्वेश्चंस भी चेक कर लो साथ साथ। सो वी शुड प्रायोरिटाइज सच क्वेश्चंस विच यू नो बेटर, जिनके आपके अंदर कॉन्फिडेंस है कि ये मेरा सही होगा, उनको पहले कीजिएगा। और चलिए उसके बाद में आपको क्या करना है, जैसे मैं एग्जांपल आपके सामने लेके आया हूं ये वाला, कि दो क्वेश्चन है कि अरोरा ऑस्ट्रेलिस पर्टेनिंग टू आइनोस्फीयर आर रिलेटेड टू विच हेमिस्फीयर है फॉर ए रीजन, कि इनमें से जो अरोरा ऑस्ट्रेलिस होती है ना, जो नॉर्वे की तरफ जो लाइट्स होती हैं, वो कौन से रीजन में है। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर इज द राइट आंसर। देन ये वाला जो ऑप्शन है इसमें आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। तो ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं कि कौन सा कम कौन सा ज्यादा, इसमें आपको जो पॉइंट्स हैं उनको रिमाइंड करना पड़ता है या फिर रिपीटेशन की दिमाग लगाना पड़ रहा है, तो उनको आप छोड़कर एक बार इस तरह के जो क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन जो आपको आते हैं, वो आप जल्दी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको एक दोनों के बीच में, इसका मतलब ये नहीं कि बड़ा छोटा, नो, ये क्वेश्चन भी बहुत इजी है, बट इफ एनीवन इज फाइंडिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग द क्वेश्चंस, यू शुड स्किप इट, उसके बाद में जब आपको टाइम मिले तो आप उसके ऊपर रिविजिट कीजिए, बट पहले वो क्वेश्चन करने हैं जो आपको सारे के सारे आते हैं। इनके चक्कर में, ऐसे क्वेश्चन के चक्कर में कि जो आपको नहीं आ रहे, आप वो सारा जो टाइम है वो सारा आप दूसरी जगह अलॉट कर दोगे। दैट्स वाई अवर नेक्स्ट पॉइंट इज दैट वी शुड अलोकेट टाइम पर क्वेश्चन, वी शुड अलोकेट द टाइमिंग, जैसे कि डिवाइड द टोटल टाइम अवेलेबल बाय नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू डिटरमाइन द एवरेज टाइम वी शुड स्पेंड ऑन ईच क्वेश्चंस, ठीक है। मतलब हमें क्या करना है, हर क्वेश्चन जब आप मॉक टेस्ट करेंगे ना, एग्जाम से पहले आप क्वेश्चंस करके जाओगे, यू शुड डू, कोई नहीं कर रहा है तो वो गलती कर रहा है। अभी से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एमसीक्यूज आपको करने हैं, तो आप क्या करेंगे, जो एक सर्टेन सेक्शन है, जैसे कि आप जब एग्जाम देने जाओगे, जैसे यूपीएससी एग्जाम देने गए, तो आपको क्या होगा वहां पर सीसेट, जैसे सीसेट वाला एग्जाम होता है, तो उसके अंदर कंप्रेहेंशन वो बाद में कर सकते हो, पहले मैथमेटिकल वाले के लीजिए, या फिर जब यूजीसी का नेट का एग्जाम देने जाएंगे तो पेपर वन के अंदर कुछ मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे। इफ यू आर फाइंडिंग डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दोस, व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट स्किप इट फॉर लेटर। तो इसलिए, और एक टाइम अलोकेट कर दीजिए कि मुझे मैथ्स वाले क्वेश्चन में या रीजनिंग वाले, कुछ भी लॉजिकल डाटा इंटरप्रिटेशन वाले टॉपिक में मुझे इतना ही करना है, ठीक है, बस। तो अलोकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, एक क्वेश्चन को लेके बैठे रहेंगे सारे के सारे दूसरे भी इंपैक्ट होंगे। और ये कैसे होंगे, इफ यू आर सॉल्विंग द क्वेश्चंस बिफोर द एग्जामिनेशन, द मोर द क्वेश्चन यू सॉल्व, मोर द चांसेस ऑफ गेटिंग गुड मार्क्स इज इंक्रीज्ड।
देन कम्स सेट टाइम लिमिट फॉर ईच सेक्शन. इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू, यू नो इट्स अ इजी थिंग कि ऐसे कर लेना चाहिए, बट इट्स वेरी हार्ड थिंग कि हमें जो टाइम लिमिट है वो सेट करना है हर क्वेश्चन के लिए. जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे तो ये वही हो गया, एलोकेशन और जो टाइम लिमिटिंग है वो एक सेम सेम ही चीज हो गई कि आपको हर सेक्शन के डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से आपको टाइम सेट करना है, जिससे कि सारे एग्जाम में इक्वली जो है अपन लोग एंश्योर कर सके कि सब पूरे प्रॉपर. जो भी पता है आपको नेट का एग्जामिनेशन में एग्जाम्पल बताऊं, 150 क्वेश्चन आते हैं और 180 मिनट्स मिलते हैं, तो एक क्वेश्चन को प्रॉपर 2 मिनट भी नहीं मिलते हैं, आप समझ रहे हो. तो दिस इज द टाइम यू शुड I had to mute because a fighter jet just passed, इसलिए उसकी आवाज आती, इसलिए मैंने म्यूट कर दिया एक बार के लिए. अब देखो उसके बाद में आप जो भी तैयारी कर रहे हैं, जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप नोट्स फॉर्म में बना लीजिए. जैसे एग्जाम्पल मैं बताऊं आपको, लाइक इफ यू आर रीडिंग द पॉल्यूशन, ये पॉल्यूटेंट्स, तो वट यू कैन डू, यू कैन जस्ट जोट डाउन कि एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, एयर पॉल्यूटेंट्स कौन कौन से, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड्स एटसेट्रा, दीज आर एयर पॉल्यूटेंट्स. देन व्हाट यू कैन डू, यू कैन जस्ट वाटर पॉल्यूटेंट्स, इंडस्ट्रियल जो केमिकल्स होते हैं वो, लेड, मर्क्यूरी, कैडमियम, so these are water pollutants. And then what you can do, you can just write down like soil pollutants. aap is tarah se aise section bhi bana sakte hain, jaise main notes banata tha to is tarah se banata tha ki ye aise points form ke andar, theek hai na, pesticides, weedicides, न्यूट्रेंट इंक्रीज, जैसे यूट्रोफिकेशन भी बोलते हैं. तो एक फाइटर जेट और आ रहा है, आई हैड टू म्यूट. बहुत ही ज्यादा नीचे से नीचे उड़ रहा है, तो बहुत ज्यादा शेकिंग हो रही है पूरी तरह से. चलिए, तो ये जो था आपके सामने कि पॉइंट्स फॉर्म में आप अपना जिस भी तरह से, आप सामने वाला आपको बता दिया कि हाँ इस तरह से, if that strategy is working out for you, then you should go for it. And you know, mostly मैं आपको जब आगे आएंगे, आपके lectures आएंगे, तो उसमें यही होगा कि आपको ये मैं बताऊंगी notes कैसे बनाए जाते हैं, smart notes कैसे बनाए जाते हैं, तो आपको उससे क्या है, तो इस तरह से what you should do, you should make the points. All right? आगे आने वाले सेक्शन में आई विल टेल यू दैट हाउ टू मेक द स्मार्ट नोट्स, हाउ टू मेक सिनॉप्सिस, हाउ कैन वी इजीली रिवाइज सच नोट्स इन एडवांस स्टेज ऑफ अवर एग्जामिनेशन. ओके, चलिए, फिर वन एक पॉइंट आता है कि डोंट गेट स्टक ऑन ए सिंगल क्वेश्चन. आई यूज टू डू इट, मैं करता था ऐसे, एक क्वेश्चन को यू नो आई यूज टू टेक इट कि जैसे उसको लेके ऐसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है, कि ऐसे कैसे सॉल्व नहीं हो रहा है. आई यूज टू टेक इट ऑन माई ईगो दैट हाउ कैन दिस क्वेश्चन चैलेंज मी, कि ये क्वेश्चन मुझे चैलेंज कैसे कर रहा है. इसकी वजह से मुझे नुकसान भी हुआ, ऐसी बात नहीं है, ना. तो ऐसे क्वेश्चंस जो आपको परेशान कर रहे हैं ज्यादा, इफ द क्वेश्चन इज इम्पैक्टिंग यू सो मच, देन यू शुड जस्ट स्किप इट and come later if you get the time. So don't get stuck on a single question, fine. Then comes especially in the geography subject, use maps and diagrams, very important, got it. ab jaise example main batata hu aapko, dekho multiple choice question wala jo exam hoga usme aapko kuch karne ki zarurat nahi hai. if the exam is सब्जेक्टिव, ऐसे वाला जो ऐसे एग्जाम होगा, तो कोई भी, अगर आपको मान लो इंडिया का मैप का क्वेश्चन आ रहा है, इंडिया से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहे हैं, रिवर्स या फिर माउंटेन्स या फिर फिजियोग्राफी पूछ ली गई है, तो तुरंत आप क्या करें, जल्दी से इस तरह से
इंडिया का मैप। आप समझ रहे हो, एक छोटे फॉर्मेट में छोटा सा करके, इट्स नॉट टू द मार्क, जस्ट इग्नोर इट, बट या आई यूज टू डू इट एंड आई यूज टू गेट गुड मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस अप्रोच, दैट डायग्राम्स, मैप्स यू शुड डू, टेबुलर फॉर्म्स, फ्लो चार्ट्स, सो दीज आर द सम पॉइंट्स यू शुड फॉलो इन योर नोट्स ऑल्सो, इन योर एग्जामिनेशन ऑल्सो. If the exam is demanding essay type answers, then you can go for it. Then practice under exam conditions. ये बहुत important है. थोड़ा सा अलग लगेगा आपको ये topic. देखो किस तरह से अलग लगेगा. जैसे मैं example बताता हूं कि जैसे normally exams जो होते हैं वो आपको सुबह होते हैं या फिर 9:30. Mostly exams are 9:30. Now what people do? People just नॉर्मली वो रात रात को पढ़ रहे हैं. सम पीपल स्टडी टिल 3 PM, रात को 3 बजे तक पढ़ रहे हैं, 4 बजे तक पढ़ रहे हैं, फिर वो सुबह सो रहे हैं. उनके लिए प्रॉब्लम क्या होती है, मैंने ये रियल लाइफ में फेस किया है कि जो बच्चे रात को पढ़ते हैं, और ठीक है पढ़ो कोई दिक्कत नहीं है, एवरीबडी सेज कि जब पढ़ना है जब पढ़ो, बट जब एग्जाम आए, अब एग्जाम जब आए उससे 15 दिन पहले जस्ट अपनी जो ये स्लीप साइकिल है उसको सही कर लेना. क्यों? क्योंकि मैंने मेरे अनलिमिटेड फ्रेंड्स को सर्कल में देखा है कि बिकॉज ऑफ दिस हैबिट उनकी एग्जाम छूट गई, 9:30 बजे वो उठ ही नहीं पाए, या फिर 9:30-10 बजे की जो एग्जाम होती है उनके अंदर उनकी नींद आ रही है, सारा का सारा पूरे साल का मेहनत खराब हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ योर स्लिप साइकिल, योर कैरियर इज रुइनिंग. तो ऐसे काम नहीं करने. इसलिए जो एग्जाम अपना जो होता है, इसलिए मैंने क्या लिखा है कि यहां पर एग्जाम की जो कंडीशंस होती है उनमें कीजिए. जैसे मैं एग्जांपल बता रहा हूं कि यूपीएससी का एग्जाम 9 बजे से होता है, सपोज कीजिए 9 बजे से अगर एग्जाम हो रहा है आपका, तो आप रोज प्रीलिम्स का पेपर 9 से 11 के बीच में ही कीजिए. गॉट इट? सीसेट का एग्जाम 2 से 4 होता है, तो 2 से 4 दिन के अंदर दोपहर में 2 से 2 to 4 यू शुड अटेम्प्ट योर एग्जामिनेशन. रोज जब आप मॉक टेस्ट भी कर रहे हैं तब ही भी सेम टाइमिंग जो एग्जाम का टाइम है वहां आप गई, उस लेवल का आपका डेडिकेशन होना चाहिए. जैसे ही 9 बजे की योर बॉडी इट विल रेडी दैट एट 9 कि 9 बजे मेरा टाइम हो चुका है, अब मेरे को क्वेश्चंस लगाने हैं. रोज आप उसी टाइम पे जाइए. हाँ रोज मत करिए, बट यू शुड डू इट बिफोर 15 to 20 days ऑफ योर एग्जामिनेशन. डू योर स्लीप साइकिल गुड, हेल्दी खाना खाइए, प्रॉपर स्लीप लीजिए, अपने रूटीन को चेंज कीजिए और इसको एडजस्ट कीजिए अपने एग्जाम जो अपना हॉल है सेम वैसा का वैसा कंडीशन आप अपने जो अपन जो PYQs करते हैं, MCQs करते हैं, मॉक टेस्ट देते हो तो वहां पर आपको अप्लाई करना है वो चीज. ठीक है, उसके बाद में आपको लास्ट पॉइंट है कि आपको एकदम शांत रहना है, स्टे काम एंड फोकस्ड. एवरीबडी जो है आपको सब इस चीज के बारे में बताएंगे कि आपको शांति से पेशेंसली धैर्य के साथ आपको एग्जाम देनी है. ठीक है, क्योंकि जो एनजाइटी और स्ट्रेस होता है ना वो अपना टाइम मैनेजमेंट को गड़बड़ कर सकती है. जस्ट इमेजिन दैट आपने पेपर देखा, हमारे साथ भी होता था, आई एम जस्ट शेयरिंग माय एक्सपीरियंस विद यू, दैट कोई पेपर देखा और उस पेपर में से कुछ नहीं आ रहा है, होता है, इट्स ऑब्वियस हमारे साथ हुआ ऐसा है ना, कि पेपर देखा और उसमें से कुछ नहीं समझ में आ रहा कि यार ये तो कभी पढ़ा ही नहीं था, या फिर पढ़ा है, just know the concept but we don't know the whole story. उसमें क्या है, anxiety और stress के कारण जो है time management की ये question नहीं आ रहा है, इसको ज्यादा time दीजिए, उसके चक्कर में उसके because of that mentality all other questions got hampered, उनको time management का issue और वहां पर paper छूट गया या फिर वो paper attempt ही नहीं कर पाए, और जो questions review के लिए रख रखे थे वो भी नहीं पाए. तो इस तरह से आपका है, आपको शांत रहना बहुत जरूरी है. जहां पर जिसकी मेंटल जो स्ट्रेंथ है वो बहुत अच्छी होगी ना, मेंटेलिटी जिसकी स्ट्रांग होगी, जो स्ट्रेस के अंदर भी आपको नहीं आ रहा है फिर भी आप स्माइल कर रहे हो, दैट्स द वे ऑफ यू नो प्रिपरेशन, कि कुछ नहीं आ रहा है स्टिल यू आर स्माइलिंग, कि मतलब जो प्रॉब्लम्स हैं वो भी सोचेगी कि ये क्या हो रहा है, प्रॉब्लम में तो इसको सैड होना चाहिए बट ही इज स्माइलिंग और शी इज स्माइलिंग. तो आपको काम रहना है, फोकस्ड रहना है,
जस्ट डू योर वर्क एंड लेट जो दूसरा जो है वो आप छोड़ दीजिए कि हाँ संभाल ले. इफ यू बिलीव इन गॉड देन जस्ट लेट इट कि हाँ आप संभालो, मैंने तो अपनी तरफ से मेहनत कर ली, नाउ यू जस्ट सी इट. गॉट इट? और IFAS इज द प्लेटफॉर्म यू कैन रिलाई ऑन योर स्टडी फॉर एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, फॉर नेट, सेट, RPSC, लाइक MPPCS, RPPCS. तो ये सब जो एग्जामिनेशन की असिस्टेंट प्रोफेसर के भी जो बैचेस लॉन्च हो चुके हैं, तो बच्चा इसको जो बाद में देख रहा है उसको भी जो है आप साइट पर जाकर विजिट कर सकते हो, ifsonline.com. यू विल फाइंड वेरी इंपॉर्टेंट सेशंस. और अगर आपको कुछ इसकी PDF, इसके तो क्या चाहिएगी आपको, यू डोंट नीड PDF ऑफ दिस, बट जो दूसरे लेक्चर्स हैं उनकी अगर आपको PDF चाहिए तो आपको जो है लाइव आपको मिल जाएंगे. जैसे ज्योग्राफी के जो टेस्ट होते हैं ना, वो हमारे सारे के सारे IFAS के जो एप्लीकेशन है वहां पर अपलोड है, तो आप MCQs कर सकते हो. ठीक है ना, यू आर टॉकिंग अबाउट ज्योग्राफी हियर. सो ऑल द एग्जामिनेशंस विच वी ऑफर फॉर द प्रिपरेशंस, वहां उनके PYQs या फिर MCQs, दीज आर अवेलेबल ऑन अवर एप्लीकेशन. तो यू कैन गो एंड यू नो अटेम्प्ट दोज क्वेश्चंस. फाइन, इट विल हेल्प यू इन योर प्रिपरेशन. जैसे मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, जो मैंने आपको अभी बताया है, जो स्टोरी टेलिंग हुई है कि मैप की जरूरत है, डायग्राम की जरूरत है, लेट मी टेल यू विद द एग्जाम्पल. दिस इज द क्वेश्चन विच इज आस्क्ड इन एग्जामिनेशन, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का क्वेश्चन है कि, और 2023 का ही है, UGC नेट 2023 का क्वेश्चन है, बट ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है. ठीक है, UPSC वालों के लिए भी है, PPCS वालों के लिए भी है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वालों के लिए, MP सेट सबके लिए रिलेवेंट है. अब देखिए, साउथ सेंट्रल हाईलैंड जो है उसमें एसोसिएशन बताया इन चारों का कि विच ऑफ द फॉलोइंग एरियाज आर एसोसिएटेड विद साउथ सेंट्रल हाईलैंड. फर्स्ट इज बुंदेलखंड, विंध्याचल, रोहिलखंड प्लेन्स, नर्मदा वैली. तो दीज आर द ऑप्शंस, एंड आपको बताना है कि जो अपने हाईलैंड्स हैं, प्लेट्यू एरियाज हैं, उनमें से कौन सा एरिया एसोसिएटेड है. और ये आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं. आपको पता चलेगा मैप की इंपॉर्टेंट, व्हाई आई एम एम्फेसाइजिंग ऑन द मैप्स, दिस इज द रीजन. सी, इफ यू नो द मैप ऑफ इंडिया यू विल बी इजीली एबल टू डू इट. अगर आपको पता होगा कि वेर इज बुंदेलखंड अपलैंड, वेर इज विंध्याचल, वेर इज रोहिलखंड प्लेन्स, वेर इज नर्मदा वैली, यू विल बी इजीली डू इट. तो इसका जो आंसर था वो था विंध्याचल स्कार्पलैंड एंड नर्मदा वैली, बिकॉज बुंदेलखंड है वो देखो ऊपर है थोड़ा, साउथ सेंट्रल में नहीं है, साउथ के अंदर नहीं है. इंस्टेड ऑफ इट, इट्स अ बिट हायर इन नॉर्दर्न साइड. गॉट इट? और जो रोहिलखंड है वो भी इधर ही है, मालवा है वो भी सदर्न सेंट्रल हाईलैंड में नहीं आता है. तो दिस इज, अब अगर आपको ये मैपिंग पता होगी ना तो आप इजीली इसको कर पाओगे. ठीक है, अगर आपको ये मैप पता होता कि कहां पर जो है प्लेट्यूज आते हैं. पेनिनसुला क्यों बोलते हैं इंडिया को, क्योंकि तीनों तरफ से जो है इससे घिरा हुआ है, सराउंडिंग किसके किसकी पानी से है, इसको पेनिनसुला बोलते हैं, इंडिया पेनिनसुला. इट इज अरेबियन सी, यहाँ तो अरेबियन सी है, वहां बे ऑफ बंगाल है, नीचे इंडियन ओशन है, और ये जो है आपके सामने मैप है. तो इसलिए मैपिंग की जरूरत पड़ती है. आई ऑलवेज से ड्यूरिंग द एग्जाम प्रिपरेशन ऑफ योर ज्योग्राफी सब्जेक्ट फॉर ऑल द कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स यू शुड यूज एटलसेस, शॉर्ट छोटे मैप्स निकलवा लीजिए, प्रिंट निकलवा लीजिए, उनको अपने साथ रखिए. बट ठीक है, चलिए अब ये वाला क्वेश्चन तो पूछ लिया, जिस भी एग्जामिनेशन में आया ये पूछ लिया. अब जो नेक्स्ट एग्जाम जो आएगा इससे इंस्पायर होकर इसमें ही ऑप्शन के अंदर चेंजेस आ सकते हैं. ठीक है, इस वाले मतलब इसमें चेंज आ सकते हैं ना क्वेश्चन ऑप्शन के अंदर. बुंदेलखंड, विंध्याचल, रोहिलखंड, नर्मदा की वजह क्या आ सकता है, कर्नाटका प्लेट्यू, कर्नाटका प्लेट्यू, तेलंगाना प्लेट्यू, दंडकरण्य प्लेट्यू. आपको दिख रहा है दंडकरण्य, इसका एक क्वेश्चन आया था, दंडकरण्य प्लेट्यू इसका एक क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम के अंदर. लॉन्ग प्लेट्यू का भी जो है, अब मेरे को याद आ रहा है कि इसका भी जो सॉरी क्या बोलते हैं क्वेश्चन आया हुआ एग्जामिनेशन के अंदर. तो बस यही से रिपीटेशन होता है, और कौन से जो कमीशन जो भी है एग्जाम कंडक्ट करवा रहा है वो कहीं से खुद से तो प्लेट्यू निकालेगा नहीं. तो दिस इज द वे ऑफ प्रिपेयरिंग. आप जो भी प्लेट्यूज, अगर आप हिमालय पढ़ रहे हो तो जल्दी से मैप बनाइए और तुरंत उसको सेग्रीगेट कीजिए कि कौन सी जो मेन मेन रेंजेज है कहाँ कहाँ पर है. And you will never forget such type of preparation. ठीक है, एक 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 और एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको
कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम. तो लाइन ग्राफ इज द मोस्ट सुटेबल रिप्रेजेंटेशन फॉर ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ओवर टाइम. कि पॉपुलेशन के लिए जो ये पॉपुलेशन है ना इंक्रीज हो रही है. आपको देखो 2038 का प्रोजेक्शन कितना है, 2022 का कितना है, ये सारा इसमें बताया गया है. तो इसमें ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है. ये क्वेश्चन ये पूछा गया था कि कौन सा इसके अंदर से पाई डायग्राम, कोरोप्लेथ या फिर मल्टीपल बार डायग्राम, इनमें से कौन सा चार्ट जो डायग्राम्स होते हैं वो पॉपुलेशन को दर्शाते हैं. तो अगर आपने कभी देखा होगा, अगर आपने कभी सर्च किया होगा, उसको बुक्स के अंदर देखा होगा, तो आपको इस तरह से लाइन बार ग्राफ मिलेगा. तो ये जो लाइन ग्राफ होता है ये पॉपुलेशन की ग्रोथ को रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे सुटेबल होता है. आपको दिख रहा है एक लाइन होती है और ये पूरा इस तरह से बताता है. तो दिस वाज फ्रॉम माई साइड रिगार्डिंग द सेशन. और बैचेस लॉन्च हो चुके हैं आपके, ठीक है, आप ज्वाइन कर लीजिए, एनरोल कर लीजिए. अब वेबसाइट पर आपको सारा जो है अपडेट मिलता रहेगा. इफ दिस वीडियो इज अ मंथ और टू मंथ ओल्डर, स्टिल इट विल बी रिलेवेंट फॉर ऑल द एग्जामिनेशन, ठीक है. और आपको जैसे समझ में आएगा कि आपको ये समझ में आएगा कि वेबसाइट के ऊपर सारी अपडेशन हमारी रहती है, ठीक है. चलिए, तो ये था हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको जब हम लोग अटेम्प्ट करते हैं तो किस तरह से करना चाहिए, किस माहौल में करना चाहिए, ठीक है. तो ये आपको जो भी आप देख रहे हो, व्यूवर्स जो देखेंगे इसको, अगर आपको रिलेवेंट लगता है कि कैसे अप्रोच रखना है, क्वेश्चंस करने के एग्जैक्टली करना कैसे, तो मैंने आपको इसमें बताया है कि किस तरह से आप कर सकते हो. जो सरल वाले जो इजी क्वेश्चंस उनको जल्दी कीजिए, जिनमें आप कॉम्पिटेंट हैं उनको तुरंत मार्क कर लो. देखो एक मेक पर्सनल है, आई डोंट नो हाउ यू विल टेक इट, बट जब मुझे कोई आंसर सही लगता है तो मैं तुरंत उसको मार्क कर देता हूँ, कंप्यूटर टेस्ट मोड हो या फिर OMR हो, आई डोंट रीचेक इट. जब मुझे पता है कि इसका आंसर ए है तो मैं तुरंत पेन से उसको ए कर देता हूँ. बिकॉज बाद में पता नहीं टाइम कंस्ट्रेंट की वजह से अगर वो हम लोग वापस ना आ पाए, कुछ लोग क्या करते हैं पूरा पेपर करते हैं उसके बाद में OMR शीट भरते हैं. जस्ट इमेजिन अगर एक गलत हो गया, ठीक है ना, चार फोर्थ नंबर क्वेश्चन के सामने आप गलत कर रहे हो कि सी करना था और डी करते गए, सारे गलत हो जाएंगे. आई हैव सीन सच टाइप ऑफ केसेस, दैट्स व्हाई आई एम रिकमेंडिंग यू कि आप जिस भी क्वेश्चन को कर रहे हो तुरंत OMR शीट में भर दो, ठीक है. तो ये थोड़ा अप्रोच थोड़ा सा ध्यान रखिएगा. और आई नो यू ऑल आर इंटेलिजेंट गाइज, तो ये कंटिन्यू रहेगी. इन अपकमिंग सेशंस यू विल गेट टू नो अबाउट द, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है वो इसी का लिंक है, इस प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है. आप जो नए बच्चे हैं वो आप पहले से देखिए इसको और लास्ट तक देखते रहिए, तो आपको पूरा ज्योग्राफी या फिर दूसरे जो सब्जेक्ट्स ना सबके लिए रिलेवेंट है ये. क्योंकि ये जो अप्रोच है वो कोई एक सब्जेक्ट या फिर एक एग्जामिनेशन के लिए नहीं है, ठीक है. क्वेश्चंस कैसे करने हैं वो आपको सारा मैंने बता दिया. नेक्स्ट लेक्चर्स में वी विल टॉक अबाउट सिनॉप्सिस, हाउ टू मेक द स्मार्ट नोट्स, हाउ टू अप्रोच द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, प्रैक्टिस टेस्ट और इसमें जो मॉक टेस्ट होते हैं वो कैसे करने हैं, ठीक है. तो जिस भी बच्चे को ये सेशन अच्छा लगा वो जरूर लाइक कीजिएगा, जो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कि इस तरह की जो चीजें हम लोग आपके लिए इन्फॉर्मेटिव सेशन हैं वो लाते रहते. ओके, टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन.